क्रांतिकारी किसान आंदोलन की धरती से जेएनयू के पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष और इंकलाबी युवा नेता चंद्रशेखर की शहादत की धरती बिहार से बिहार के दबे कुचले उत्पीड़ितों की ओर से बिहार की युवाओं की ओर से आज तमाम युवा साथियों को जिग्नेश भाई को सहरा रशीद को प्रदीप नारवाल उमर खलीद कन्हैया भाई को मैं जय भीम लाल सलाम करता हूँ। साथियों रोजगार के सपने दिखा करके काले धन वापस लाने की सपने दिखा करके महंगाई के दरहम मार से बचाने की सपने दिखा करके अच्छे दिन के वादे करके जब सत्ता में आ गए तो मांग और उत्पाद नफरत की राजनीति गाय के नाम पर कत्लेआम देशभक्ति की बात करने लगे। अरे आरएसएस भाजपा के लोगों आजादी के लड़ाई में तुमने अंग्रेजों की मुखबिरी किया है, आजादी के आंदोलन के कतार हो बाबरी कर बाबरी मस्जिद को गिराने वाले गुजरात को जलाने वाले मुजफ्फरनगर के कातिल सहारनपुर को जलाने वाले रोहित मुल्ला को मारने वाले भीमा कोरेगांव के हमलावरों हमारे नसीब को गायब करने वाले हमारे प्यारे लोग इंकलाबी नौजवान चंद्रशेखर आजाद राहत को जेल में डालने वाले भूख से करके संतोषी को मारने वाले ऑक्सीजन के बिना गोरखपुर के अस्पताल में दूध मुहे बच्चों को जान देने वाले गोरी लंकेश के कातिल बिहार में रणवीर सेना बना करके दलितों का नरसंहार रचाने वाले होश में आओ और हम ऐलान करने आए हैं कि मूल मोदी और जोगी अंबानी और अडानी सावरकर और गोवरकर के सपनों का मुल्क नहीं बनेंगे, यह मुल्क शहीद भगत सिंह और बाबा साहब अम्बेडकर रोहित मुल्ला और चंद्रशेखर राव आजाद के सपनों का मुल्क बनेगा। हम जानते हैं तुम सोचते हो कि सांप्रदायिक राजनीति करके नफरत की राजनीति करके युवाओं को हम लड़ाएंगे। हम कहने आए हैं कि देश के युवा तुम्हारे सांप्रदायिक फसवाद के लठैत नहीं बनेंगे, तुम्हारे जुमलों में नहीं वाले आने वाले हैं। अब देश के युवा फसवाद के खिलाफ सांप्रदायिकता के खिलाफ प्रतिरोध की आवाज बनेंगे, इंकलाब की परचम उठाएंगे। हम जानते हैं तुम तैयारी कर रहे हो 2019 की, तैयारी करो जी भर का तैयारी करो और हम भी तैयारी कर रहे हैं और इसीलिए आज संकल्प लेने आए हैं कि जो खून गिरा है हैदराबाद विस्तारे में रोहित मुल्ला का, जो खून गिरा है उन्होंने दलित नौजवानों का, जो खून गिरा है सहारनपुर में, जो खून गिरा है भीमा कोरेगांव में, जो खून गिरा है गौरी लंकेश का, उन तमाम खून को हम एकजुट करेंगे। हम खेतों में उठ रहे किसानों की आवाजों को गोली मारते हो किसान राष्ट्र लगाते हो वकील गोगोई पर एनएसए पर। अरे हुक्मरानों इस मुल्क के कत्तारों अंग्रेजों के चमचो हम कहने आए हैं कि तुम्हारे जेलों में तुम्हारे राष्ट्रद्रोह के मुकदमों में तुम्हारे राष्ट्रीय सुरक्षा कानूनों में
तुम्हारे बंदूकों में और ताकत नहीं है जो युवाओं की लड़ाई को रोक सके। और 2019 में ये सारा जो लड़ाइयों में लहू बहा है उन तमाम खून को लहू के एक एक बूंद को 2019 में पकड़ा लिया जाएगा, मजा चखा दिया जाएगा। और दोस्तों, बिहार में जब हम शिक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं, डीका कुमारी दफ्तरम में त्रिवासी विद्यालय की छात्रा पढ़ने लिखने में तेज, खेलने कूदने में तेज, बलात्कार करके मार डाला, मार डाला जमीन की लड़ाई लड़ने वाले युवा हमारे राम परेश राम को, महेश राम को, कमलेश्वरी मांझी को, अरे आरएसएस भाजपा के लोगों, राम रहीमों के सेवा करने वाले ऐसे राम बापू के चेलों, हम कहने आए हैं। तुम सोचते हो हत्या करके अरे चंद्रशेखर आजाद कौन को जेल में क्या डालोगे, जो भारत के युवाओं के जो दिल में है उसको जेल के दीवारों में नहीं रख सकते। उनकी रिहाई होगी, उनकी रिहाई होगी। और हम जानते हैं भीमा कोरेगांव एक मानव के हक होने की लड़ाई, मानवीय गरिमा की लड़ाई भीमा कोरेगांव में लड़ी गई थी। जाकर के तो निवाकर ट्रंप जैसे लोगों को 34 निवाकर ट्रंप अमेरिका की बेटी को तुम 3400 रुपये चांदी साड़ी चांदी सारी चीजें इवांका ट्रंप के नाम से चूड़ी से लेकर के साड़ी तक देते हो, शर्म नहीं आती? कहते हो भारत माँ की संतान से, अरे कैसे भारत माँ की संतान हो? भारत के जन्म के पहले तूने गद्दारी किया, रोहित कमुला को मारने वाले हमारे चंद्रशेखर आजाद रावण पर रास्को लगाने वाले कब्र से निकाल करके मुस्लिम महिलाओं के साथ बलात्कार करने की मंशा रखने वाले तुम जैसे भारत माँ की संतान पर मुझे शर्म है। हम लोग इस भारत माँ के ऐसे ही संतान है, क्रांतिकारी संतान है। और आने वाले दिनों में आज से भाजपा के खिलाफ में नफरत की राजनीति के खिलाफ में सांप्रदायिकता के खिलाफ में आने वाले दिनों में हम जो बिहार से कन्हैया भाई हैं, हम हैं गुजरात से जिग्नेश भाई हैं और अखिल दुबोल जी हैं असम से, रसेला रसीद हैं, सब जगहों से हम लोग एकजुट होकर के और भारत के गांव गांव से आरएसएस और गुंडा हिंदू गुंडा वाहिनी को गांव गांव से खदेड़ देने का काम करेंगे। इंकलाब जिंदाबाद, जय भीम, लाल सिंह।